पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है, ये शायद हम सभी जानते हैं। 2020 में खड़े होकर ऐसे प्रोडक्ट्स पर सेटल करते हैं जिन पर शायद मगरब के लोग पिछली सदी में भी ना करें। ये इंडस्ट्री शुरू कहाँ से हुई और कौन सी गाड़ी ने इसकी बुनियाद रखी? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादा साइंसदान तो डिस्कवर नहीं हुए जो हमारी हिस्ट्री की प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकें। खैर, हमारी रिपोर्टेड हिस्ट्री में ही एटलीस्ट 1950s में जनरल मोटर्स ने अपना पहला प्लांट लगाया, मगर ये मेनली कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रक्स के लिए था। फिर फोर्ड भी आया जिसने मजीद ट्रक्स और वैन्स प्रोड्यूस करना शुरू किए। फॉर सम रीज़न उस ज़माने में गाड़ियों से ज़्यादा ट्रक्स की डिमांड थी। शायद पैसेंजर कार्स यूजुअली इम्पोर्ट होती थी। ये पुराने फोर्ड और जीएम के ट्रक्स हमें आज भी अपनी सड़कों पर काफ़ी नज़र आते हैं। फन फैक्ट, टोयोटा ने लैंड क्रूजर जंगों में इस्तेमाल होने के लिए बनाई थी, मगर फिर जब इनको पब्लिक डिमांड भी नज़र आई तो मैस प्रोडक्शन करने के बाद पाकिस्तान पहला मुल्क था जहां पर लैंड क्रूजर ऑफिशियली इंपोर्ट हुई थी। मगर कुछ ही साल बाद टोयोटा को अंदाज़ा हो गया कि ये गाड़ी वहीं पर होनी चाहिए जहां पर लोगों के पास बाइंग पावर है, दैट इज़ ऑफ कोर्स अरब कंट्रीज़ एंड अमेरिकन कंट्रीज़। अगर हम आज भी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में जाएँ तो वहाँ पर पुरानी लैंड क्रूजर्स काफ़ी नज़र आएंगी। राइट, सो हमने अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं ढूँढा, पाकिस्तान में मास मार्केट होने वाली पहली पैसेंजर व्हीकल कौन सी है। 1980s में पाकिस्तान में वही नेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा था। सिटिंग गवर्नमेंट को भी ख्याल आया कि पाकिस्तान में कोई एज सच मास प्रोड्यूस होने वाली गाड़ी नहीं है। सो इन 1982 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक जापानीज़ कंपनी को जॉइंट वेंचर का इन्विटेशन दिया कि यार यहाँ पर आके प्लांट तो लगाओ प्लीज़। वो कंपनी, यू गेस्ट इट और मे बी यू डेंट, सुजुकी मोटर कंपनी, और इन लोगों ने बनाया हम सब का अपना कैरी डब्बा बोलान, जो आज तक पाकिस्तान में चलता है। जिमनी भी बनाई मगर उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई। अब उसके CBU मिलते हैं डीलरशिप से कोई 40-1 लाख के, और इन्होंने आम आवाम के लिए फिर प्रोड्यूस की FX, सुजुकी FX। अब ये FX एक रेवोल्यूशनरी स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ी थी, बिग पावरफुल 800cc इंजन जो कि 35-40 horsepower बनाता था। इट वॉज़ अ पीस ऑफ जंक, मगर इट वॉज़ पॉपुलर बिकॉज इट वॉज चीप। ये सब लेट 70s में हुआ। 80s में सुजुकी ने बोला कि नहीं, हम तो एक मॉडर्न कंपनी है और अपने कस्टमर्स को नए मॉडल देते हैं, इसलिए FX ख़त्म करके ऑल्टो इंट्रोड्यूस की, जिसका बाद में नाम मेहरान पड़ जाना था। और वो मॉडर्न कंपनी की मॉडर्ननेस यहीं तक थी। वो मेहरान आपकी अराउंड 1986 से 2019 तक प्रोड्यूस हुई, जो कि प्रॉबेबली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग प्रोडक्शन रन था फॉर अ कार इन द होल वर्ल्ड। चलो किसी चीज़ पे तो ऊपर हैं हम।